अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम एंड किचन सीक्रेट। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खाई जाने वाली मशहूर सब्ज़ी आलू और बैंगन की रेसिपी है। ये बहुत ही मुनफरद तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये बेकिंग के लिए मुझे बैंगन चाहिए आधा किलो, आलू चाहिए आधा किलो। बैंगन मैंने काट के पानी में भिगोए हुए हैं, वो इसलिए कि काले हो जाते हैं अगर इन्हें पानी में ना भिगोया जाए तो, इसलिए जिन्हें जब भी काटना है फ़ौरन से पानी में भिगो देना है। उसके अलावा इसके लिए मुझे प्याज चाहिए एक अदद बड़े साइज़ का, मोटा कटा हुआ जैसे चावलों में डालते हैं इस तरह से काटना है। एक अदद टमाटर बड़े साइज़ का चाहिए, दो तीन सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। उसके अलावा चाहिए 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा एंड 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और दो जो मेन चीज़ें इसके अंदर जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करती हैं वो है 1/2 टीस्पून मेथरे जिसे मेथी दाना कहते हैं और 1/2 टीस्पून ही कलवंजी। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल जो है उसे हम सबसे पहले डालेंगे ताकि वो गर्म हो जाए। डाल दिया है, 1/2 कप ऑयल डाला है। अब इसके साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे, बड़े साइज़ का एक ही प्याज है जिसे हमने काटा हुआ है। प्याज को घी में डाल के इसे हमें ब्राउन नहीं करना, बस 1-2 मिनट तक ज़रा घी में ज़रा गर्म ही करना है। आम हांडियों की तरह इसे ब्राउन नहीं करना कि इसका कलर जैसे ब्राउन गोल्डन हो जाता है, वो नहीं करना। प्याज डाल के प्याज के साथ ही हम 1 मिनट के बाद इसमें कलवंजी और मेथी दाना डाल देंगे। प्याज, कलवंजी और मेथी दाना को हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। मेथी दाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिन खानों में इस्तेमाल होता है वो खाने इन खानों से गैस नहीं होती, बदहजमी नहीं होती, बहुत सेहत के लिए ये सीर है। देखें हमारा प्याज जो है इसे 1-2 मिनट हो चुके हैं, कलवंजी और मेथी दाना तीनों को इसी से हमने गोल्डन ब्राउन नहीं होने दिया। अभी ये वाइट वाइट ही है, बस थोड़ा सा पक गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसे हमने काटा हुआ था वो ऐड करेंगे। और इसके साथ ही सब्ज मिर्चें वो भी ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट तक टमाटर को ज़रा गलने देंगे। प्याज को टमाटर को प्याज के साथ तकरीबन 1 मिनट हो चुका है फ्राई होते हुए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून ही कुछ धनिया पिसा हुआ भी, ये सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से भुनेंगे मसाले को। अगर नीचे लगता हुआ मसाला आपको महसूस हो, नमक मिर्च वगैरह, तो आप इसे हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। 1-2 मिनट तक मसाले की अच्छे से बनाई करनी है। और सबसे अहम बात, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे, वो इसलिए कि बैंगन तस्वीर में गर्म होते हैं और लहसुन अदरक डालने से इनकी तस्वीर मज़ीद गर्म हो जाएगी, इसलिए ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाले बगैर ही बनाएंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। तो इसमें आपने कलवंजी और मेथी दाना ज़रूर डालना है, ज़ीरा, कुछ धनिया, ये तमाम चीज़ें डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना। उसमें प्याज सोप करके नहीं डालने, इसी तरह ही थोड़ा मोटा मोटा काट के फिर डालने। हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं इसमें, और हमारे जो मसाले हैं उसने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है, वो प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई इसमें से। अब इसके अंदर हम जो बैंगन हमने भगो के रखे हुए थे पानी में, इसे निकाल के ये ऐड करते जाएंगे। बैंगन आप किसी भी शेप में काट लें, अगर लंबे वाले बैंगन हों तो बहुत करारे बनते हैं, गोल वाले भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन जो लंबे बैंगन होते हैं उनका ज़रा ज़्यादा टेस्ट करता है। इनकी बूंदियाँ होती हैं, इनको भी हम इसी तरह से काट के अंदर डालेंगे, क्योंकि अब इसे अच्छे से भूनेंगे
के बोलियों के बारे में हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे हम थोड़े से सुनते आ रहे हैं कि प्लेन की तासीर गर्म होती है लेकिन इनकी जो गंदियाँ होती हैं वो इनकी इनके अंदर ठंडी होती है तासीर, इसलिए ये कहते हैं कि इनको अंदर डालना चाहिए, इससे बैंगन की तस्वीर जो है वो अच्छी हो जाती है, मोटबिल हो जाती है दरमियानी। इसलिए इतना से काट के आती हैं, इसे खाएं या ना खाएं लेकिन इसे डालना ज़रूर है, क्योंकि बड़ों की बातों में बरकत होती है, उनका कुछ तजर्बा होता है, इसलिए वो कहते हैं कि इन्हें डालना चाहिए, इसलिए हम डालते हैं। ना भी डालेंगे तो बैंगन भी अच्छे बनेंगे, सिर्फ तस्वीर की वजह से डालते हैं, वाक्य से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। शुरू हो गई। अच्छा ये देखें, ये आज हमारे बैंगन जो है इन्हें तीन चार इन दालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम सिर्फ देखिए पानी का छींटा लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ देखिए आधे कप से भी कम पानी था, सिर्फ ये हल्का सा छींटा लगाया और इसे दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। इनको दम पे भी गलने देना है, तो ये अपना पानी बैंगन छोड़ देंगे, कुछ पानी थोड़ा सा बस हमने डाला है। ये देखें ये शक्ल होगी इनकी, अभी हम दम दे देंगे और 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। इसे हम दम दे रहे हैं अब और 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखिए हमारे आलू जो से हैं वो गल चुके हैं, हमने चेक कर लिया है। देखिए हमारे आलू और बैंगन की शक्ल बिल्कुल बरकरार है, कि ये गुले नहीं हैं, वो इसीलिए है कि हमने बैंगन बाद में डाले थे और इन्हें दम पर पकाना है। अब हम इसे सर्व आउट कर रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं सॉरी। देखिए इसको हमने ढोंगे में डाल दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो कटा हुआ है ये छिड़केंगे। हमारे आलू बैंगन तैयार है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।